ठीक है, हम इसको समझेंगे कि बायोडिवर्सिटी क्या होता है। बायो का मतलब होता है क्या होता है जी, बायो का मतलब लिविंग, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी वैरायटी मल्टीप्लिसिटी, कहते हैं ना इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, इंडिया राइट, इंडिया में मतलब एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इतने किस्म के कल्चर्स हैं, इतने किस्म के रिलीजन हैं, राइट, इतने किस्म के कस्टम्स हैं लोगों के, ठीक है, राइट, कोई किस टाइप के फेस्टिवल्स मनाते हैं, कोई किस टाइप की रिचुअल्स फॉलो करते हैं, राइट, बट उसके बावजूद भी दिस कंट्री इज़ वन बिकॉज सभी लोग जो यूनाइटेड हैं एटलीस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक काइंड ऑफ यू नो नेशनलिज्म की फीलिंग है उनके बीच में, राइट, तभी हम इंडिया को कहते हैं इंडिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, बस इसी चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, ठीक है, इस प्लैनेट पे, ठीक है, इस प्लैनेट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू नो यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड दैट इंसेक्ट आउट ऑफ 10 ऑर्गेनिज्म, मैं आपको पहले भी बताया था 10 ऑर्गेनिज्म में 7 इंसेक्ट हैं, 7 अगर हम 10 ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें उसमें 7 इंसेक्ट्स हैं, राइट, समझे, देर आर अराउंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स बटरफ्लाई एंड ऑल दैट, 3 लाख स्पीसीज, राइट, अराउंड 1.5 लाख स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पीसीज मीन्स वैरायटी, ठीक है, राइट, अराउंड 1200 स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है, इंडिया हम आगे बात करेंगे, इंसिडेंटली इंडिया का जो टोटल शेयर है लैंड मास में पूरी दुनिया में दैट इज़ जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल, मतलब इंडिया ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए, एज़ कम्पेयर टू रशिया, यू नो जिसको जो टूट गया आज की डेट में, जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, ठीक है, एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, बट इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूशन मीन्स इसका रैंक, ठीक है, दैट इज इम्प्रेसिव, अराउंड 8% बायोडाइवर्सिटी दुनिया की इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, तो इंडिया को हम एक किस्म का कौन सा मेगा डाइवर्स कंट्री की कैटेगरी में गिनते हैं, वो ट्रॉपिकल एरिया, बिकॉज इंडिया एक बड़े फेवरेबल क्लाइमेटिक जोन में है, ये आप ज्योग्राफी में आपको पता ही है, ठीक है, कैसे प्लेस्ड है ये, राइट, अच्छे रेनफॉल होती है यहाँ, अच्छी टेम्परेचर है, राइट, सीजन्स इतने हार्श नहीं है, इवन विंटर भी इतनी हार्श नहीं है, ठीक है, जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ में विंटर है, ठीक है, आप कनाडा में, कनाडा तो चलो नॉट यूरोप बट जर्मनी अनदर यू नो यूरोपियन कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ तो खून जम जाता है आदमी का, ठीक है, तो इंडिया बड़ा फेवरेबल कंट्री है, इसलिए इतनी डाइवर्सिटी 8% डाइवर्सिटी पूरी दुनिया की इंडिया में पाई जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कितनी स्पीसीज हैं यहाँ, वही बायोडाइवर्सिटी हमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की रैंकिंग में या बायोडाइवर्सिटी की प्रोफाइलिंग में या इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री है ना हमारी बायोडाइवर्सिटी की, राइट, तो पहले बता आपने यही चीज़ समझने कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल पे होती है और बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे बढ़ती जाती है, जिसको हम आंसर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बीच में वैरायटी नहीं है, 3 लेवल पे, जीन्स जिसको कहते हैं जेनेटिक मेकअप वो भी ऑर्गेनिज्म का, कहते हैं टू रियल ब्रदर एंड सिस्टर, टू रियल ब्रदर आर आल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वो भी अलग हैं, उनके भी जीन्स अलग हैं, ऑल्दो दे हैव इनहेरिटेड द सेम जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, फ्रॉम मदर एंड फादर, बट स्टिल दे आर डिस्टिंक्ट अनलेस दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है, उनमें तो एक ही डीएनए होगा, एक ही 100% एक जैसा होगा, अदरवाइज रियल ब्रदर सिस्टम में भी जीन में डिफरेंस है, ठीक है, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को 3 लेवल पर स्टडी किया जाता है, राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, विच टेल्स अस अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो कि इवन रियल ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो जीन्स की कॉम्बिनेशन होती है जिसे डिस्टिंक्टिवनेस आती है, जीन की कॉम्बिनेशन मीन्स उसको कहते हैं रिकम्बिनेशन, वन है ना क्रोमोजोम है ना सेक्स क्रोमोजोम कमिंग फ्रॉम मदर अदर फ्रॉम फादर,